सावन की प्रदोष भी आएगा, इसी छत्तीसगढ़ में सावन की शिवरात्रि भी आएगी, इसी छत्तीसगढ़ में भगवान देवाधिदेव महादेव की पुण्यमय कथा भी चलती है। सावन की शिवरात्रि कब की है? सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान से अपने मन चाह वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए, जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे ही पहले के भी, 108 चावल के दाने आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमीपत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ, 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध दही शहद घी शक्कर इत्र गंगाजल चंदन, 3 गोल सुपारी पूजन वाली सुपारी, रोली मोली अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर गुलाल, पीला चंदन चावल पूजन के लिए, कपूर 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ 1 गणेश जी के लिए 1 शिव जी के लिए, लौंग इलायची पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, अपने नगर में अपने गांव में अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आपके यहाँ आते रहते हो और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हो उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें, और पंडित जी उस समय पर करा रहे हैं या उससे 1 घंटे पहले करा दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हो उनको बुला लें, अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे और आप और हम पूजन करेंगे और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। शिव उपासना